बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। येट अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स जालियावाला। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ेदार कमेंट्स मिलते हैं एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू बी ऑन द शो। आई लव टू हैव यू, बट यू हैव टू टेल मी वॉट यू डू एंड इट हैज़ टू बी इन लाइन विद लीडरशिप, एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी। इन तीन लफ्ज़ों के गिर्द ये शो है और वो लोग जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान भर में जाने जाने चाहिए, उनका काम का अंदाज़ हम सब के लिए सीख है, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, उनको हम इस शो में दावत देते हैं। आज मेरे दोस्त बहुत ही मज़ेदार हैं और मज़ेदार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग मुझे अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, सी आई एम सो बिज़ी, मुझे टाइम नहीं मिलता। इन्होंने अपने काम के साथ साथ इतना बड़ा एक और काम साथ किया है दैट आई एम मूव्ड, आई एम शेकन एंड आई थिंक एवरीबडी हु कम्स अक्रॉस दिस स्टोरी, हर कोई यही कहता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे ये काम रिसीव हो रहा है। अब कौन है ये साहब? ये साहब हैं जाहिद हुसैन छीपा। ही इज़ द CEO ऑफ इस्लामिक टेक्नोलॉजी मिशन। ही सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, जिसको सीसा सर्टिफाइड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हैं, एपटेक सर्टिफाइड, यानी IT के प्रोफेशनल हैं 1998 से। लेकिन इस प्रोफेशनल जो उनका IT डोमेन है उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पैशन रहा और वो पैशन एक ऐप की सूरत में इस्लाम 360 जिसका नाम है, जो कि बे इंतहा पॉपुलर है, नंबर 3 वर्ल्ड रेटिंग्स के हिसाब से, पाकिस्तान में नंबर 1। और बड़ा बेसिक आइडिया था लेकिन जिस फॉर्म में ये सामने आया है इट्स पावरफुल। सिंगल हैंडेडली इस पूरी ऐप को तरतीब दिया है, इसके बैकहैंड पे काम किया है, अपने वसाइल से अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत ही खूबसूरत काम है। मज़ीद जानेंगे, आई डोंट वांट टू रूइन इट फॉर यू। लेट्स वेलकम जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया आप आए हैं कराची से पूरा सफ़र करके, मुझे बताएँ क्यों? इसलिए कि उमर बेसिकली वी आर सीजनल मुस्लिम, अब हमारे मुसलमानों को एक सीज़न आ रहा है, तो हम 11 महीने काम करते हैं और 11 महीने काम करने के बाद इस सीज़न में आकर लोगों को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन का पर्पज़ है अपनी, अपने अहलोयाल और अपने वालदेन की बख्शिश। तो जितनी अच्छी और जितनी नेकियां समेटने का मौका इस वक्त मिलता है, तो इसलिए ऑल द वे आपके इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए और आपसे मिलना हमेशा से एक ख्वाहिश भी होती है और रिश्ते भी। अब जाहिद भाई इस पे आएंगे सीजनल मुस्लिम होने पे एंड बट आई एडमायर द फैक्ट कि आप ऑल द वे आए, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं आपकी इब्तिदा, अपनी ज़रा कहानी के बारे में, मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सुनी है लेकिन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। आपने उमर जो इतना इंट्रोडक्शन दिया और इतना बताया कि जी वर्ल्ड नंबर 3 रैंक की ऐप है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में अपनी कंपनी ओन करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं गुज़िश्ता कोई 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं टेलको इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव इन तमाम चीज़ों के पीछे जो हमारे स्टूडेंट और ये तमाम लोग इसको सुन रहे हैं और आपको नो डाउट बहुत देखा जाता है, तो जाहिद हुसैन छीपा ठेले पर केले बेचा करता था और मैं ठेले पर केले बेचते बेचते आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी एप्लीकेशन का अल्लाह ताला ने मुझे एक फाउंडर बना रखा है और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ओवर द नाइट कुछ नहीं हुआ। Tell me about that time. ये किस वक्त की बात है? ये बात मैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1980। 1996 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, हालात इतने ख़राब थे, यानी उससे पहले भी कोई, मम्मी अब बहुत गरीब से घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और यानी मुझे तो ऐसी बहुत सारी रातें याद हैं जिस पे अम्मी ने ये कहा कि बेटा खाने के लिए कम है और तुम थोड़ा सा, अम्मी मेरी बिल्कुल इलिटरेट है, तो वो अम्मी कहती हैं कि बिल्कुल बेटा खाना थोड़ा लगा के खाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम एक दफ़ा में खा लो तो बाकी बहन भाई भूखे रह जाए। यानी मुझे बहुत ऐसी रातें याद हैं जिस पे टोटल खाना ये था कि अम्मी ने आधा पाव दही मंगवा लिया, उसमें पानी डाल दिया और उसमें चीनी मिला दी और सारे बहन भाइयों ने वो खा लिया। 1996 में ये हालात इतने वर्ष हो गए कि मैं अपने घर में बहनों में भाइयों में सबसे छोटा मैं था और वो मुझे केले बेचने जाना पड़ा, जबकि मैं फर्स्ट ईयर में था, पोजीशन होल्डर लड़का हूँ मैं, लेकिन उस वक्त जब मैं ठेले पर केले बेचता था तो मैं सोचता था यार ये लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। लेकिन उमर मैं लिटरली एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचते जब आप केले बेच रहे होते, लोग आपके बारे में उस वक्त ज़्यादा बोलते हैं जब आप कुछ बन चुके होते हैं, लोगों को आपकी वो सक्सेस तो नज़र आती है लेकिन उसके पीछे इतनी हर्डल किसी को नज़र नहीं आती। लेकिन ऑप्शन यही था कि मुझे, मेरे जहन में एक ही बात थी कि मैंने पढ़ना है और ये तालीम एक ऐसा सिक्का है जिससे मैं दुनिया में हर चीज़ खरीद सकूंगा। ये क्यों कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है इस एज के ऊपर कि मैंने पढ़ना है,
इसी एज पे लोग पकड़ पकड़ के स्कूलों में डाल रहे होते हैं. सो आपके ख्याल में ये आपके अंदर कहाँ से आई ड्राइव के आपने बढ़ना है, आपने कुछ करना है? रियलिटी टफ है, आप उससे भाग भी सकते थे, खेलकूद में भी उसी मुफलिसी में रह लेते, लेकिन आप उससे बाहर निकले. क्यों ये ड्राइव आपके ख्याल में आपके अंदर कहाँ से आई? अच्छा, ये वैसे तो मैं इसका क्रेडिट तो खैर अपने वालदैन को ही दूंगा, क्योंकि उनसे ही तमाम चीज़ें सीखी थी. क्योंकि बेसिकली वैसे छिपा कम्युनिटी एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, लेकिन अम्मी अब्बा तो बहुत गरीब थे, तो उस वक्त भी उन्होंने सोचा था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे. तो अम्मी अब्बा ने जो ये बात पहले दिल में डाल दी कि बेटा पढ़ना ही है, हालात चाहे जैसे भी हों. तो मुझे पता है वो जैसे भी हालात रहे, मैंने जैसे तैसे करके मास्टर्स अपना किया, फिर तब सारी सर्टिफिकेशंस की, लेकिन सोचा यही था कि मैं इस तरीके से आगे जाऊंगा. रोड मैप बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, ख्वाब था कि आईबी में पढ़ूंगा, फलां पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. लेकिन कोई बात नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आईबीए के लोग हमारे साथ काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं बड़ा एक प्लेजर मोमेंट होता है मेरे लिए कि जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहता था या पढ़ना चाहता था, आज वो तमाम लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं. नाइस, दैट्स ग्रेट. तो इब्तिदा कहाँ से भी इस ऐप की, अब उस पे आ जाते हैं. उस वक्त आप क्या कर रहे थे और क्या सोच के आपने शुरू किया? आईटी का तो बैकग्राउंड रहा, प्योरली फ्रीलांस प्रोग्राम्स किया करता था. 2007 में एक आयत मैंने किसी लेक्चर में सुनी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह. इस आयत का मुझे उर्दू तर्जुमा याद था. अच्छा, पढ़ने पढ़ाने का बचपन से ही बहुत शौक था. तो मुझे एक और शौक ये भी था कि मैं कोई लेक्चर सुनूं तो मैं उसकी अरबी याद कर लेता था. तो उस वक्त अरबी याद करने के लिए पहले मैंने उर्दू तर्जुमा मुझे पता चला. मैंने सोचा ये आयत कहाँ पर है, मैं ढूंढने निकला. मैं अब जितने हुफाज हजरात थे उनको ये उर्दू तर्जुमा बताता था, बताएं जनाब ये आयत कहाँ पर है. वो कहते थे पता नहीं कहाँ. तो हाफिज इदरीस साहब हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बता दिया कि जनाब ये आयत 10वें पारे में जहाँ नस्फ होता है वहाँ पर मौजूद है. तो मैंने सोचा यार आज तो इन्होंने बता दिया है, कल कौन बताएगा. तो फिर मैंने इस्लाम 360 के बारे में सोचा और उस पर काम शुरू किया. 2007 से लेकर आज 2019 आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्च इंजन में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है. अच्छा, 2007 पे मैं अभी होल्ड करूँगा. वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने जो सुना आपको मतलब चाहिए था, आप उसकी तलाश में निकले. आई थिंक ये इस तरह के मोमेंट्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और यही वो मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं जिनको हम कैच ऑन नहीं करते. कि कुछ आपके अंदर एक ड्राइव थी कि नहीं, मैं इस मर्तबा तो निकाल लिया, अगली मर्तबा कैसे निकालूंगा. 2007 का आपका ये सफ़र है, उस वक्त आप कंपनी बना चुके थे अपनी आईटी? नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल एक जॉब कर रहा था. आप जॉब कर रहे थे ऐसी, यानी जॉब भी कोई इतनी हाइफा जॉब नहीं थी, एक नॉर्मल सी जॉब किया करता था. जो आप बात कर रहे थे कि जी आईटी के लोग जो इतने बिजी भी रहते हैं, फलां भी रहते हैं, उमेर, अल्लाह ताला ने इस काम के बाद सबसे बड़ा एहसान मुझ पर यह किया कि मेरे काम में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दे दी. जैसे इमाम गजाली के लिए दी थी. इमाम गजाली बहुत बड़ी हस्ती. इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 55 इयर्स की ज़िंदगी में इतनी किताबें लिखीं कि हम 60 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद वो सारी किताबें पढ़ नहीं सकते. तो अल्लाह के शुक्र है, मैंने अपनी कंपनी तो खैर जब 2011 में पहली बार ये एप्लीकेशन लॉन्च की, अल्लाह ताला ने आखिरी इम्तहान लिया था 2011 में, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा. वो 2011 में ये हुआ कि 2007 से मैं काम कर रहा था, 4 साल काम किया, एप्लीकेशन को लेकर आया. लोगों का क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा था, क्या कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं है, रोमनाइज उर्दू है, कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट, दिस एंड डैट. आज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हमारी इंडिया है, वो सिर्फ रोमन उर्दू की वजह से, जिसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं आप लोग. उसमें 2011 में मेरी एक जॉब थी. मेरे बॉस ने मुझे एक दिन बुलाया कि जाहिद अब तुम सिर्फ इस एप्लीकेशन में लगे रहते हो, तो ऐसा ना हो कि कल अप्रेजल हो तो तुम्हें मुश्किल हो जाए. मैंने कहा सर वाकई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पे किया, दोबारा से काम पर लग गया. घर गया, जाके अल्लाह ताला से दुआ की, सुबह आकर रिज़ाइन कर दिया. ये वो जॉब है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जो मैंने अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा कर और मिन्नत करके हासिल की थी. मैंने नेक्स्ट डे जाकर रेजिग्नेशन उनके सामने रखा. मैंने कहा सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरा नोटिस पीरियड है और मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ. उसने कहा क्यों. मैंने कहा सर मैं इस सॉफ्टवेयर को रोल बैक नहीं करूँगा, अल्लाह ताला ने ये चोंच दी है, चुगने के लिए वो दे देगा इंशाल्लाह. मैं ये रोल बैक नहीं करूँगा, रिज़ाइन करके जा रहा हूँ. कैन यू बिलीव इट कि वो जो एक महीने का मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरे पास इतने प्रोजेक्ट थे कि मेरे पास टाइम नहीं होता था उसके लिए कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम निकाल सकूं. अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्लाम 360 के बाद मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ काम करता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता हूं, मेरी फैमिली लाइफ है, ट्रैवलिंग में ऑल द वे बहुत ज़्यादा करता हूं
और उसके बावजूद भी मैं टाइम को ज़ाया करता हूँ। वो सारा खौफ जो था वो सारा का सारा जब आपने शुरू किया, तो वो मेरे उस्ताद कहते थे कि तुम्हारे और तुम्हारे गोल के दरमियान दो रुकावटें, एक तुम्हारी अना है और दूसरा तुम्हारा खौफ है। वाह। और कहते थे अगर इन दोनों पे तुम ताले लगाना सीख जाओ कि जो हर किसी से डरता है वो खुदा से नहीं डरता, उससे डरता है वो किसी से नहीं डरता, और अना जहाँ अना होती है वहाँ खुदा नहीं होता, तो दोनों को बंद कर दो। तो वो कहती थी बस तुम्हें थोड़ा सा अपना जोर लगाने की ज़रूरत है, ये फैसला करने की, घर बेच देने की जो तुम मुश्किल है उसको करने की, कहती है थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो सितारे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन तुम खुद ही उस मंजिल की तरफ, बिल्कुल ऐसा पूरा सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें सपोर्ट करना शुरू कर देता है। माशाल्लाह, व्हाट अ वंडरफुल मूव, व्हाट अ करेजियस मूव यू टुक, कि एक तरफ नौकरी है और बॉस कह रहे हैं कि या तो ये प्रोजेक्ट कर लो या नौकरी कर लो, एंड यू चोज दिस प्रोजेक्ट एंड स्टिल इट हैज़ डन वंडर्स टू यू। वी विल कम बैक टू यू, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इस्लाम 360 कुरान और हदीस का सबसे बड़ा सर्च इंजन, 177 ममालिक में 32 लाख डाउनलोड्स। कुरान पढ़ें, सुने और याद करें, किसी भी लफ्ज किसी भी मौजू पर तलाश करें। अहादीस की 9 किताबें उर्दू और अंग्रेजी जबान में, किसी भी लफ्ज किसी भी मौजू पर तलाश करें। एक आयत और हदीस के साथ दिन का आगाज, बच्चों की तरबियत के लिए दुआएं और इबादात, हज उम्रे की तरबियती वीडियोस, पांचों अजान और नमाज के अलर्ट, क़िबले की सिमत के साथ इस्लाम 360, मुमताज और जय्यद उलमाए कराम की तस्दीकी और तारीफी असनाद देती हैं इसे सबसे बेहतरीन दर्जा। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड करें इस्लाम 360। अच्छा जाहिद भाई, सो आपने इस्लाम 360, हमने अभी तक सिर्फ लोगों को बताया कि एक ऐप आपने बनाई और अपने काम के साथ बनाई, कैन यू क्विकली टेल अस के इसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें डाली है? अच्छा उमेर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मैं नाज़रीन को थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप करके दिखा भी देता हूँ कि आप कुरान मजीद में कोई भी मौजू तलाश कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। बेटा पूछता बाबा जान कहाँ लिखा दिखाओ, ज़रा देखिएगा ये मैं सर्च करता हूँ, वो पूछेगा आप इंग्लिश में लाई लिखेंगे, उर्दू में झूठ लिखेंगे, रोमनाइज उर्दू में झूठ लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे या अरबिक में लिखेंगे। मैंने कहा रोमन में, मैं रोमन में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ झूठ। ये झूठ मैंने टाइप किया सर्च, झूठ के मुतालिक कुरान मजीद में ही 52 आयात है, सब ढूंढ लाया हूँ। ये जो आप रोमनाइज उर्दू देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू गूगल आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made the stop of search engine. मैंने कहा मुझे इसकी उर्दू पढ़नी है, वो पूछेगा उर्दू किस मकातिब फिक्र की, शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद तमाम मकातिब फिक्र, कोई गम ही नहीं, जिसको जो पढ़ने वो पढ़ते हैं उसका जान ले। आप ये पढ़ भी सकते हैं, ना सिर्फ सुन भी सकते हैं। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला, आपने कहा मुझे इसमें तफसीर पढ़नी है, आपने कहा मुझे इसमें अपनी तजवीद ठीक करनी है। जरा देखिएगा, मैं जब बड़ा हो जाता हूँ ना मेरी तजवीद खराब हो जाती है, यानी मैं जब बड़ा हो गया मैंने कहा जी मुझे आप ज़रा पढ़ के सुनाइए इसको, पढ़ते किस तरह है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओपन किया, अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा। अर्रहमान रहीम, तो ये उसको रेड कर देगा। अब इसके अंदर हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लेकर आए, ये देखिए अब इसको कर देता, अगर मैं इसको सही पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये इसको ग्रीन कर देगा कि आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। अब नेक्स्ट फीचर, और कोई इसकी हद नहीं है कि किस हद तक ये लफ्जों पे जा सकता है, पूरी पूरी आयतों पे। हमने इसको अंग्रेज के साथ भी ट्राई किया है, बच्चे के साथ भी, औरत के साथ भी, मर्द के सबके साथ ट्राई किया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट चलता है। अब इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बोलते जाइए, आप कहेंगे ओपन सूरा, वो कहेगा विच सूरा, उर्दू में भी बोलिए सूरा खोलें, वो कहेगा कौन सी सूरा, मैं कहूँगा सूरा यासीन, कहेगा तर्जुमे के साथ चलाऊँ या बगैर तर्जुमे के, मैंने कहा तर्जुमे के साथ चला दो। सो कुरान मैं ये तो नहीं कहूँगा डीमिस्टिफाइड, बट मेड ईजी, मेड एक्सेसिबल,
इन योर पाम ऑल द टाइम, आप कहीं चलते फिरते कोई एक लफ्ज़, वो लफ्ज़ इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो लफ्ज़ नमाज भी हो सकता है, वो रिश्वत भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है, जिस पे आपको कोई कह रहा है कुरान में ऐसा लिखा है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ऐप, और इसलिए नहीं कि मैं तुझे बताता हूँ तू सही कह रहा है या नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मैं सही सीखूँ और मैं इस्लाह कर सकूँ। इट्स वंडरफुल, आप अपनी तजवीद बेहतर कर सकते हैं। एक और खूबसूरत बात जो आपने की वो ये कि जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपने सारे डाल दिए, आपने कहा फला ये कहते हैं फला ये कहते हैं, एंड आई थिंक तमाम लोग काबिल इज़्ज़त हैं, और एक ऐप के अंदर वो तमाम आ जाना बहुत विजडम बढ़ा सकता है। इट्स वंडरफुल वर्ल्ड। सेम इसके अंदर अहादीस, इस पे कितने लोग शामिल रहे हैं आपके साथ? बहुत सारे लोग, अल्लाह का शुक्र है, जो अब तो मेरी 11 लोगों की टीम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं यकीनन उन लोगों का नाम भी मेंशन करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया। और मैं यकीनन अब आपके नाज़रीन से ज़रूर कहूँगा कि आप उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें कि जिन लोगों ने हमारे साथ इस पर फाइनेंशियली तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी, वो अगर एक पीठ थपथपा देते थे मैं समझता था ये बहुत काफ़ी होती थी, तो वो भी उन्होंने बहुत एफर्ट दिखाई है, और कुछ कंपनीज भी हैं जो जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, इट्स ग्रेट। अब तो आपने कितने साल इस पर लगा दिए? 11 साल हो गए। 11 साल। रोजाना कितना टाइम? मैं बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालता हूँ, वरना मैं सारा टाइम सिर्फ इस्लाम 360 पे होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये मेरा बेबी है, मैं बेबी की तरह पालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि सूरतुल हुजरात की इस पर एक आयत सुनाता हूँ, सेकेंड लास्ट आयत है। आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया, अब फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है ए नबी इनसे कह दीजिए कि ये जो लोग तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं एहसान जताते हैं कि हम मुसलमान हो गए, इनसे कह दो कि तुम्हारा हम पर एहसान नहीं है, ये अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है कि उसने चुना कि तुम मुसलमान हो जाओ। 7 अरब की आबादी है, अल्लाह ताला ने 7 अरब की आबादी में अकेले वाले को चुन लिया और उससे ये काम ले लिया, तो एहसान तो मालिक का है। आपको क्यों, काम आपका बहुत मुकद्दस है, मैं लेकिन क्योंकि मैं लोगों के साथ काम करता हूँ और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूँ, तभी आप जैसे उसे पूछता हूँ कि आपको क्यों ये फीलिंग आई कि अल्लाह ने आपसे ये काम लिया? मैं क्या कोई एक आधी ऐसी कहानी सुनाए जिसने आपको कमिट कर दिया हो कि नहीं यू हैव टू कम्प्लीट दिस, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने चैलेंजेस, इतने डिप्स होते हैं उसमें, कोई एक आधी ऐसी कहानी जो कि आपका आपका ईमान ताज़ा कर? हाँ, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। असल में जब हम लोगों को पढ़े बगैर काफ़र कहते थे ना, मेरा दिल जलता था इस बात पर कि यार हमने किसी को पढ़ा है नहीं, उससे पहले ही उस पर फतवा दे दिया, तो एटलीस्ट उसकी किताब ही पढ़ लो, तो हम उसकी किताब पढ़े बगैर उसको काफ़र कहते थे, मेरा दिल इस पर बहुत कुड़ता था। और मैं अल्लाह ताला से एक दुआ किया करता था बचपन से कि अल्लाह ताला मुझसे दीन का कोई काम ले ले, और मक्खी के ऊपर मक्खी नहीं बिठाना, कोई यूनिक काम लेना जो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में मेरे रोशनी का कोई बायस बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही ऑब्जेक्टिव था, यानी इस बात से जो मेरा दिल कुड़ता था उस पर एंकर ही है रहा। वाह खूबसूरत, कहाँ देखना चाहते हैं साहब को, अभी यहाँ तक पहुँच गए, ज़रा कामयाबी बता दें और फिर बताएं कि आगे क्या। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.2 मिलियन यूज़र हैं 177 कंट्रीज में। अगर आप यूज़र नहीं हैं तो 3.2 मिलियन यूजर्स की बात माने, और रोजाना कितने हैं उसमें से एक्टिव? रोजाना एक्टिव यूजर 186,000 एक्टिव यूजर है, 7 लाख से ज्यादा सेशंस होते हैं एक महीने में, अभी ऑफ सीजन है, इस ऑफ सीजन में एक महीने के स्क्रीन व्यूज की तादाद 4,31,00,000 है। अगर हम हर स्क्रीन व्यू पर 1 रुपया कमाते तो 4,31,00,000 रुपए एक महीने की इनकम है। जो ये देख रहे हैं वो जानते हैं आज के दौर में नंबर्स की ताकत, डेटा की ताकत और ऐप की ताकत। यू विल बी वेरी इंट्रीग टू नो दिस दैट इस ऐप से कोई पैसे नहीं बनाए जाते, और ये सिर्फ और सिर्फ जाहिद भाई ने अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के सवाब के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और अपनी लेगेसी बनाने के लिए क्रिएट की है। हालांकि बहुत आसान है इस पे से मोनेटाइजेशन पॉसिबिलिटीज़ निकालना, लेकिन सिंगल हैंडेडली ये काम करते हुए आए, वेरी वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। अगला विजन, हाँ विजन हमारा ये है कि एक तो हम 104 ज़बानों पर कुरान का सर्च इंजन बना रहे हैं, जिस पर 19 ज़बानों पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जो ये वॉइस रिकग्निशन है इसको मज़ीद एक नए एरा के अंदर लेके जा रहे हैं, दूसरा काम। और तीसरा विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह अगले 5 सालों में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल को रिप्लेस कर देंगे इंशाल्लाह हम लोग, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी हम कहते हैं ना किसी चीज़ को सर्च कर गूगल कर लो, इंशाल्लाह जब भी अब लोगों को कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम होगी तो कहेंगे इस्लाम 360 सर्च इंजन ऑफ इस्लामिक कंटेंट। वाओ दिस इज ग्रेट, आई थिंक आपने कोई रीज़न नहीं छोड़ा
मेरे जैसे लोगों के लिए कि जो कहते थे कैसे पढ़ें, इतना मुश्किल है, जवाब नहीं मिलता, जिस जो बात पूछो वो नहीं मिलती, ऑल ऑफ दैट देयर आपके पास अवेलेबल हर वक्त. डू गिव इट अ ट्राई, डू टेस्ट इट आउट. रमज़ान इज़ अ ग्रेट सीज़न. हर कोई बहुत एक्साइटेड होता है रमज़ान में, ना सिर्फ कुरान सुनने के लिए बल्कि समझने के लिए. और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आई थिंक जनरली हमारी पब्लिक में बड़ी अवेयरनेस आई है कि हर कोई डीपर जाने की बात कर रहा है, रेफरेंस की बात कर रहा है. आई थिंक योर ऐप इज़ जस्ट इन द राइट टाइम. व्हाट अ वंडरफुल वर्क डन. मैं बहुत खुश होता हूँ ये जान के कि एक बंदे ने ये कमाल कर दिया. और यकीनन बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन उसमें आपका जज्बा, आपकी सोच एज व्हाट हैज लेड द वे. आई विल कम बैक. दो हमारे बड़े इंटरेस्टिंग राउंड है, उस पर आपसे बात करेंगे. राहत भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इस तमाम काम में, और बहुत सारे लोग घबराते हैं उसकी वजह से, वो सेंसिटिविटीज़ है. जब भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात होती है, सेक्रेट टेक्स्ट की, अल्लाह के दिए हुए टेक्स्ट की, उसमें एक ज़बर, एक लफ्ज़ आपने ट्रांसलेशन कर दी, रोमन में डाल दिया, इतनी ज़बानें, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपने उठाई और बहुत करेज शो किया है, स्पेशली हमारे जैसे माहौल में. उसके बारे में ज़रा आगाही दें, आपने इन सेंसिटिविटीज़ से कैसे डील किया और अच्छा, क्या मशवरा देंगे और लोगों को जो किस तरह. हाँ, इसके लिए बहुत उमेर आसान सी बात ये थी कि आप उस जो आप काम कर रहे हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, उनको ये दिखा दीजिए. तो ये सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के, इवन ये सारे दारुल उलूम से लेकर, अहले हदीस से लेकर, देवबंद से लेकर, बरे तमाम मकातिब फ़िक्र, इवन इमाम काबा से अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा वन ऑन वन मुलाकात रही है. बहुत सारी दुआएं इमाम काबा तक से अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव की. सऊदी अरब के उलमा वगैरह सारों के एंडोर्समेंट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौजूद है. वाओ, तो आपने सारे उलमा को ऑन बोर्ड कर दिया, उनको चलाया, उन्होंने ऐप चलाई है, उनके लोगों ने, और अब भी उनसे मशवरे करते रहते हैं. कोई नई अच्छा. चीज़ डालने जाते हैं तो उनसे मशवरे करते हैं और उसके बाद इसको शामिल करते हैं. इट्स ग्रेट. क्या मशवरा देंगे उन जुनूनी साथियों को जो कि फंसे हुए हैं, करना चाहते हैं, या तो ये कहते हैं कि मैं नौकरी के साथ टाइम कैसे निकालूं, या स्किल भी लेके बैठे हैं लेकिन मैं जो करना चाहता हूं बड़ा सेंसिटिव काम है. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जिसने इन दोनों चीज़ों को मास्टर किया है, आपका क्या मशवरा है उन नौजवानों के लिए जो कि अपना एंटरप्रेन्योरियल या इस तरह का पर्पस बेस कुछ लगाना चाहते हैं. अच्छा उमेर, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं चाह रहा होता हूँ कि जी डेडिकेशन होनी चाहिए. अगर डेडिकेशन, लोग अगर डेडिकेटेड रहेंगे तो यकीनन उसको एक ना एक दिन अचीव ज़रूर कर लेंगे. देखिए, अगर कोई पत्थर हमारे घर में पड़ा रहे, रखा रहे, तो वो एक दिन अपनी वक़्त रखता है. जिस दिन वो वहाँ से हटेगा तो हमें फील होगा कोई चीज़ कम है. पंखा कंटिन्यूसली आवाज़ करता रहे, उसको बंद करते हैं तो फील होता है कुछ चीज़ बंद हुई है. तो इसका मतलब यह है कि आपने कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ सिर्फ काम करना है. देखिए, रिजल्ट देना सिर्फ मालिक का काम है. नबी सल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि ऊँट का पाँव बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो. तो मैंने और आपने ऊँट का पाँव बांधना है बस, अपने तरफ हुज्जत तमाम करनी है. यकीनन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला से बेहतरीन जजा देने वाला कौन हो सकता है, अल्लाह ताला से बेहतरीन मोहसिन कौन हो सकता है. तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को रायगा नहीं जाने देगा. 4 साल तक मैंने सिर्फ क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया. 4 साल के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 1% लोग क्रिटिसाइज करते हैं, 99% लोग दुआओं के मैसेज करते हैं. और लोग ये कहते हैं कि जाहिद भाई अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़िंदगी बदल गई. जब मुझे इंडिया से इस तरह के मैसेज आते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि कोई शख्स कन्वर्ट हो गया. तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात हो. डेडिकेटेड रहें तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर उस टास्क को अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं. ब्यूटीफुल. हम करेंगे आपके साथ एक रैपिड फायर क्विक सवाल और आपका जवाब. कोई सोचने का टाइम हम ज़्यादा नहीं देते क्योंकि वरना मौका निकल जाता है. सो पहला सवाल, योर रोल मॉडल इन लाइफ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक चीज़ जो आपको बहुत बुरी लगती है. लोग जो टाइम के यानी पाबंदी नहीं करते. एज अ चाइल्ड आप क्या होना चाहते, जब आप बचपन में क्या सोचते थे क्या बने? क्रिकेटर बनना चाहते. सुबह उठ के पहली चीज़ क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते. आपके ख्याल में कौन सी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को तब्दील करेगी? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. कोई ऐसी किताब जो कि आपने बहुत मरतबा पढ़ी है? जब जिंदगी शुरू होगी. एक चीज़ जो आप अपने बारे में तब्दील करना चाहेंगे? मैं लेजी होता था. खुशी क्या है आपके लिए? एक अच्छा खाना भी खुशी है. आपके अंदर से फील होना चाहिए आपको बस. कामयाबी एक लफ्ज़ में? अचीव करना. जो लोग देख रहे हैं एक मशवरा? डेडिकेटेड रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो जिंदगी आपको मिली है. वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू. हमने आपसे कहा था कि कोई एक चीज़ हमारे लिए लेकर आइएगा जो कि आपके लिए बहुत मायने रखती हो. तो वी'ड लाइक टू सी इट. मतब बिन थनियान आले सऊद प्रिंस ने मुझे सऊदी अरब में अवार्ड दिया था. तो वो मुझे लगा कि ये बड़ा यानी वहाँ पर जाकर एक करेज फील करना, इमाम काबा से मिलना, वो तो एक ऑनर था, इससे कोई इनकार नहीं. लेकिन वो जो मुझे अवार्ड मिला तो मुझे वो लगा कि यार कुछ मज़ा आया देखकर, दिल को भी खुशी हुई. मुझे याद है जब मैं लेकर आया तो अबू ने ये अवार्ड
अंडर ब्रेड वाले से लेकर घर में जो दूध देने आता है उस तक सबको दिखाया अच्छा। कि मेरे बेटे को अवार्ड मिला है। और मेरे अबू ने बहुत बड़ा जुमला मुझे कहा था, वो शायद इस अवार्ड से भी बहुत बड़ा है। मेरे अबू ने कहा था कि बेटा जाहिद तुमने मेरा सीना इतना बड़ा कर दिया अच्छा। तो वो मेरे लिए इस अवार्ड से बहुत बड़ा था। लेकिन क्योंकि इस अवार्ड की वजह से अबू ने कहा था। आज अबू जब मेरे साथ उमरा पे जाते हैं या सऊदी अरब में जो एक प्रोटोकॉल मिलता है तो अबू कहते हैं यार तूने छाती चौड़ी कर दिया हमारी। माशाल्लाह एंड व्हाट प्राइड आई सी ऑन योर फेस एज़ वेल, दिस इज ग्रेट वर्क। बस वो मैं यानी वो फील, यानी मुझे याद है अबू ने एक दफ़ा, मैं हमारे कोई एक रिलेटिव घर पर आए हुए थे और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को ये बात, अबू ने उस शख्स को जो हमारे घर पर हमारे रिलेटिव आए हुए थे उनके एक जुमला कहा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम वालदेन को जाहिद जैसी औलाद दे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में You got a lot there, yes. It's, wow, what an effort. One man, IT professional, could be coding for life. There are many people who do that. Could just look after his family, could just have so many things to do. But commits to take on a mandate which is such a serious one. कि मैं कुरान आसान बनाऊंगा, एक्सेसिबल बनाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। 2007 से 2019 तक ही इज एन ऐप विच इज़ वर्ल्ड्स नंबर 3 ऐप, नंबर 1 इन पाकिस्तान, विद अ विजन टू बिकम द सर्च इंजन फॉर इस्लामिक क्वेरीज फ्रॉम न्यू टूल्स व्हाट ऑल ही इज़ एडेड। आई हैव सीन हिम ऑन द रन, आई हैव सीन हिम एट द एयरपोर्ट्स, मेट हिम मल्टीपल टाइम्स एंड इट्स बीन सच अ प्रिविलेज टू हैव हिम ऑन द शो। आई होप हिज मैसेज, नॉट जस्ट हिज ऐप but ye jazba, that is what needs to go around, this jazba that you could be anyone but yet you could create something that would stay long after you're gone. Do that with your life, it's worth it. What you see on his face is pride, it's fulfillment, and that's what we lack a lot in today's world. Thank you very much for watching, until next time.